रिकॉर्डिंग चालू करूंगा। चल रही रिकॉर्डिंग? हाँ ठीक है। चैप्टर नंबर वन डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर वन। ओहो आओ बेटा, श्री गणेश हो रहा है डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। हमारे भारत देश में एक ही डायरेक्ट टैक्स है अभी तो, जिसका नाम क्या है? इनकम टैक्स। क्या है जिसका नाम क्या है बेटा? इनकम टैक्स। पहले उनने एकदम कहानी लिखी, भयंकर भयंकर कहानियां। ये मैं नहीं पढ़ाने वाला, ये तुम पढ़ोगे। टैक्स का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? ये मैं बताऊं तुमको, कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन देना ही पड़ता है देश को चलाने के लिए। घड़ा, सावन की घड़ा, ठीक है। अच्छा, सरकार को टैक्स क्यों चाहिए? सरकार को टैक्स क्यों चाहिए? देश चलाने के लिए। देश में कहां का खर्चा कहां करेगी? कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, वॉर और हो गई तो लगेगा, बोलो। हाँ फिर क्या लगेगा? पब्लिक ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, पब्लिक के काम करने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए। अरे यही सब चीजों के लिए क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। फालतू बातें मत करना मेरे से। क्या सोशल इंजीनियरिंग? मतलब वही यार, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को ग्रोथ के लिए, ताकि जो बेसिक सोशल मेंटेन रहे। हाँ, पार्क्स वगैरह बनाना, सोसाइटी मेंटेन रहे ओवरऑल, जो तुम्हारी नाली अली साफ करना, रोड रोड बनाना, वो सारे रोड रोड क्लीनिंग करना बेसिक, ठीक है क्या? ये सब नहीं पूछा जाएगा, बेसिक बेसिक बातें हैं सिर्फ। अपन अपन ना, कैरेक्टर्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम। गुड टैक्स सिस्टम कैसा होगा? इक्विटी होगा। इक्विटी मतलब न्यायवर्धक होगा, अन्याय नहीं होगा इस टैक्स सिस्टम में। अमीरों को लूटा जाएगा और गरीबों को टैक्स का फायदा दिया जाएगा, ऐसा इन लोग बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? वो क्या होता है बेटा? इक्विटी। वो क्या होता है बेटा? इक्विटी यानी कि न्यायवर्धक है। क्या बात समझ में आ रही? दूसरा क्या बेटा? सर्टेनिटी मतलब भरना ही पड़ेगा। नो योर लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी हर इंसान को पता होना चाहिए, अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको टैक्स भरना है और भरना ही चाहिए। इकोनॉमी ठीक है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मस्ट बी लो। पता पड़ा टैक्स कलेक्ट हुआ 100 रुपए और टैक्स कलेक्ट करने के लिए खर्चा कर दिया 90 रुपए, हाथ में बचे 10 रुपए। कोई तमीज की बात है क्या? बिल्कुल सही बात नहीं है। तो इकोनॉमी होनी चाहिए, कलेक्शन वगैरह क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्लियर है क्या? फिर क्या है? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर शुड हैव स्टेबल इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम लेवल। कुल मिला के अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन मार रहा है तो टैक्स कंट्रोल कर ले, बहुत ज्यादा रिसेशन जा रहा है तो टैक्स में छूट मिल जाए। गवर्नमेंट बजट पढ़ते थे ना 12वीं में, कुल मिला के क्या है? अगर कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है कि कमा देश नीचे जा रहा है तो टैक्स में छूट दो, देश ऊपर जा रहा है तो टैक्स खींच लो। क्या बात समझ में आ रही? वो बोला उसने। फिर क्या होना चाहिए? कन्वीनियंस होनी चाहिए, मेरे को टैक्स भरू भी मैं, सरदर भी मैं पालू, मथे का सूर भी मेरा हो। नहीं 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 मस्ट बी इजी टू कलेक्ट। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब टैक्स शुड बी इनेबल टू रिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम रिच टू पुअर, अमीर से लो गरीबों पे लुटाओ। फ्लेक्सिबल चेंजेबल टू सूट इकोनॉमिक कंडीशन, जब चाहे उसमें बदलाव कर सकते हैं। नॉट टू डिस्करेज वर्कर और इन्वेस्टमेंट, इतना टैक्स नहीं होना चाहिए कि काम करने की इच्छा ही मर जाए आदमी की, बोले जितना कमाए थे पूरा तो सरकार ले ही जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमको काम ही नहीं करना, ऐसा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर होना चाहिए नहीं, काम करेंगे टैक्स भी भरेंगे, बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलो रे, ठीक है क्या? हमारे देश में तुमको पता है एवरेज ओवरऑल सारे टैक्स मिलाए कितने परसेंट हो जाते हैं? 40 से 50% टैक्स में कमाई में जाती है अपनी। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब की सोचो बस, अगर आदमी ने 10 करोड़ कमाए, कितने कमाए? 10 करोड़, 5 करोड़ किसको दे दिए? सरकार को। क्या है आप बताओ, है ना? हम बहुत मतलब हम हाईली टैक्स नेशन में से एक नेशन में आते हैं। क्या बात समझ में आ रही? जिसमें खूब ज्यादा टैक्स लगता है, 30-40% इन लोग ये ले लेते हैं इनकम टैक्स, ये 15-18% क्या ले लेते हैं जीएसटी एसटी, सब मिला के कम से कम 50% टैक्स, तो 40% बोलते हैं एवरेज हमारे देश में, 40-42% टैक्स लग जाता है कमाई पे। हाँ यार फटाफट बोलो, ज्ञान की बात है। टैक्स इज कंपलसरी नॉट वॉलेंट्री, हमें पता है, ठीक है। टैक्स इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, हमें पता है। टैक्स इज फॉर पब्लिक बेनिफिट, हमें पता है। टैक्स इज पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, ओहो ठीक है। गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवाई टैक्स, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। टैक्स इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट, मतलब आपने जितना टैक्स भरा है उसका फायदा आप ही को मिले, इतना स्वार्थी जीवन में नहीं होना। कोई स्वार्थी होने का फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही बेनिफिट मिलेगा। टैक्स इज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर, आम जनता की भलाई के लिए हम टैक्स भरते हैं, देश की ग्रोथ के लिए हम टैक्स भरते हैं। इसको ये लोग नीरव मोदी लोग लेके भाग जाते हैं हमारे पैसे को। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो, आया समझ में? इसमें क्या है जो धीरे बोलो? ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन क्या है बताओ? ऑब्जेक्टिव क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, ओहो हो। रीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ओहो हो। सोशल वेलफेयर, ओहो हो। सेफ्टी ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बैड एंड इंजीरियस कस्टम्स, ओहो हो। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स, वाह वाह वाह।
इकोनॉमिक ग्रोथ, ओहो, इन्फोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ओहो, क्या है, कोई बात है, अरे कोई ये एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊं मैं मतलब तुमको, शर्म नहीं आएगी? डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, कौन कौन होता होता है है डायरेक्ट टैक्स? जो डायरेक्टली डायरेक्टली? लगता है, जिसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जो भरता है वही भरता है, अरे जो भरता है वही भरता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सहता कोई और है, भरता कोई और है, क्या बात? सर में कौन सा टैक्स होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है क्या? हाँ या नहीं बोलो। डायरेक्ट टैक्स के फायदे क्या है? इक्विटी है, जस्टिस है, न्याय संगत है, इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी है उसमें, क्या बात समझ में आ रही है? जहां अमीर है, जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, सर्टेनिटी है, हर आदमी को पता है कि अगर वो कमा रहा है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, इनइक्वालिटी कम करता है, क्योंकि जो 5 लाख से कम, 2.5 लाख से कम वालों पे टैक्स नहीं लगता है तो क्या है कि गरीबों को छूट मिलती है, अमीरों को लूटा जाता है, तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है। गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है सरकार क्या करती है, टैक्स लगा देती है, लोगों के हाथ से पैसा छीन लेती है, अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है, क्या बात समझ में आ रही है? ये पूरा पढ़ा होगा तुमने, आखिर में क्या है, सिंपल है, कोई तामझाम नहीं है, हमने कमाया हमें भरना है, तुमने कमाया तुम्हें भरना है, यहाँ तो क्या है जीएसटी में देखो कितनी पंचायत है, मैंने तुमको बेचा तुमने टैक्स लिया, मैं भरूं उसका क्रेडिट लूं, इसमें कोई तामझाम नहीं है। क्लियर है क्या? डायरेक्ट टैक्स के नुकसान क्या है? चोरी, हाय चोरी, हाय चोरी, टैक्स भरते ही नहीं, लोग बोलते हम कमाते नहीं, खूब सारा कमाते, अपने आप को गरीब दिखाते है ना, सरकार का टैक्स नहीं भरते, खा जाते हैं बेटा, वो क्या होता है, टैक्स इवेजन, क्या होता है, टैक्स इवेजन। आप मैगी खरीदने जाते हो, इनडायरेक्ट टैक्स में इवेजन नहीं कर सकते, 12 रुपए की मैगी खरीदी, टैक्स आपको भरना पड़ेगा, उसने टैक्स कलेक्ट किया, उसके जेब से कुछ गया नहीं तो वो सरकार को भर के भी आ जाएगा, यहां तो क्या है, दर्द होता है, जब डायरेक्ट टैक्स भरने में दर्द ज्यादा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भरने में दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता दर्द, तुम बताओ ना, मैगी खरीद के आए, 2 रुपए की मैगी का टैक्स तुमने भर दिया, दुकानदार को क्या लग रहा है, उसकी जेब से थोड़ी जा रहा है, तुमने हमको दिया है, हम जाके सरकार को दे आ रहे हैं, क्या किसी को दर्द हुआ? नहीं। तुमने 10 लाख रुपए कमाए, उसमें 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तुम टैक्स भराए, बताओ दर्द हुआ? बहुत दर्द हुआ, ठीक है, इवेजन होता है इसमें, इसलिए क्या बात समझ में आ रही, अनइकोनॉमिकल होता है, लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव, आदमी के अंदर डिस्करेजमेंट आता है, का कमाए अपने लिए कमाए, सरकार के लिए कमाए, नहीं कमाना हमको, क्या बात समझ में आ रही, ऐसा करते हैं, नॉट सुटेबल फॉर पुअर कंट्री, गरीब लोग ज्यादा है उन्हीं को लूट लूट के टैक्स लिए पड़े, क्या मतलब है, आर्बिट्री ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लॉजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ प्रोग्रेसिवेशन इन द टैक्सेशन द डायरेक्ट टैक्स आर आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब कोशिश की जाती है कि अमीरों से ज्यादा ले पर गरीबों से कम ले, लेकिन डेफिनेशन क्या है अमीरों की, तुम बोल रहे हो जो 10 लाख से ऊपर कमा रहा है वो अमीर है, उससे 30% टैक्स लेंगे, क्या पता महंगाई के चलते हुए कोई बोल रहा है क्या जो 10 लाख से ऊपर कमा रहा है वो अमीर है, क्या बात समझ आ रही है, तो आर्बिट्ररी है, क्लियर नहीं है, आपने बोल दिया प्रोग्रेसिव है, अमीरों से ज्यादा गरीबों से कम, लेकिन अमीर और गरीब की डेफिनेशन तो तुमने ही तय करी, क्या बात समझ आ रही, ना इंसाफी है ये, हाँ या ना, फटाफट बोलो, अरे बोलो यार, नेता नेता बन जाना चाहिए मेरे को, क्या है, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, मेरिट्स ऑफ इन, वो तो अपन है बाबा, ठीक है, एक आध बार भुट्टा उट्टा हो गया ना, उसके बाद जय करूंगा, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बाबा बनने में सबसे ज्यादा फायदा भाई, आदमी पैर भी पड़ता है पैसा भी देके जाता है, क्या चाहिए और बताओ, ठीक है, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स साले, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बताओ भक्तजनों, क्या होता है बताओ, हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन होता है, हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन होता है मतलब जितनी सेल उतना टैक्स लगेगा, जितनी बिक्री होगी उस पर डिपेंड करता है, नो इवेजन, चोरी होरी का इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है, कन्वीनियंट है, इनकम टैक्स मुझे अपना भरना मेरे लिए सरदर्द है, मुझे अपनी आईटीआर फाइल करनी, देखना जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग 31 मार्च के आसपास, या खुद बिजनेस भी क्या करते हैं, सैलरी एलरी वाले भी जुलाई वुलाई की जब डेट आती है तो फड़फड़ाने लगता है, अरे टैक्स भरना, रिटर्न भरनी, आईटीआर भरनी, ये सब का झंझट रहता है, इसमें कोई झंझट नहीं, मैगी खरीदो टैक्स दे दो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो भर के आ गए, कन्वीनियंट होता है, इकोनॉमी होती है, वाइड कवरेज होता है, छोटी छोटी चीज से लेके बड़ी बड़ी चीजों में सब में टैक्स मिल जाता है सबको, इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी मतलब जो नेसेसरी कमोडिटीज है उसमें नहीं लगाएगी टैक्स, नमक कमक में टैक्स छोड़ देंगे, के बाद सन मैरी मेडिकल एडिकल फैसिलिटी में जहां पे एकदम बेसिक नेसेसिटी वाली चीज होगी उसमें टैक्स छोड़ देंगे, जो एकदम अय्याशी वाली चीज होगी, ले सिगरेट में पेल के टैक्स लगाएंगे, के बाद सन मैरी दारू वारू में तो खैर जीएसटी लगा नहीं पा रहे लेकिन टैक्स तो फिर भी लगा ही रहे अपन, एक्साइज वगैरह, हाँ नहीं बोलो, डीमेरिट्स क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव मतलब अमीरों से ज्यादा गरीबों से कम, रिग्रेसिव में क्या है बेटा, सब पे बराबर के कारण गरीबों पे बर्डन ज्यादा आ रहा है,
अरे अमीर आदमी 10 की मैगी 12 में खरीद लेगा, 2 रुपए टैक्स दे देगा, उसको दर्द नहीं होगा, गरीब आदमी को दर्द होगा। ठीक है, तो रिग्रेसिव इन नेचर है। एक्चुअली में क्या होता है, गरीबों पे बर्डन ज्यादा पड़ता है। अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन, कोई पक्का नहीं है कितना आएगा, क्योंकि डिपेंड क्या करता है, कितनी बिक्री होगी, बिक्री होगी तो टैक्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। डिस्करेज सेविंग, इंक्रीज इन्फ्लेशन। इनडायरेक्ट टैक्स आर इंक्लूडेड इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सो पीपल हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज व्हेन लिवाइड इनडायरेक्टली, दैट मींस द कस्टमर्स कैन नॉट सेव सम ऑफ देयर मनी। कुल मिला के क्या है, भरना है तो भरना है, कोई बचना नहीं है। साबुन खरीदना है, टैक्स देना पड़ेगा। कोलगेट टूथपेस्ट खरीदनी है, टैक्स देना पड़ेगा। कहीं बचत का कोई कारण ही नहीं है। इससे महंगाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि गुड्स क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। ये पूरा आप पढ़ के आएंगे, अच्छे से एक बार रीड करके आएंगे। हाँ या ना बोले, अरे बोलो यार, 15 की हो गई है। मैं यार मैगी खरीदा ही नहीं बहुत टाइम से, घर वाले ले आते हैं, मैं बस खाता हूँ। ठीक है, अरे वो मैंने की कंप्लेन करी बेटा, कंप्लेन करी मैंने, ने बोला ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेल आएगा अभी। चलो, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, आओ हमने पढ़ा था ये, हमने इनडायरेक्ट टैक्स में जब जीएसटी पढ़ना शुरू किया तब भी पढ़ा था कि भैया अगर कोई भी टैक्स लग रहा है तो उसके पीछे कोई लॉ होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, यही आर्टिकल तो पढ़ा था। तो वही आर्टिकल बोल रहा है 265, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो पहले क्या चाहिए, उसके पीछे कानून चाहिए, कानून के लंबे लंबे हाथ चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेटर। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। जानते हो आप, बोलो हाँ या नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये टैक्स आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये टैक्स आते हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स को चलाने की पूरी बॉडी जो है वो कहलाती है सीबीडीटी। क्या कहलाती है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है क्या, और जीएसटी को चलाने वाली क्या कहलाती है, सीबी। इनडायरेक्ट टैक्स को चलाने वाली कौन है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। क्या क्या क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। और आखिरी में क्या आता है, जीएसटी काउंसिल। क्या आता है, जीएसटी काउंसिल, जो पूरी जीएसटी को संभालता है। चैप्टर खत्म, बोला हंसते खेलते, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, अगले चैप्टर में मजा आएगी। आज इतना ही करते हैं, बाकी पढ़ेंगे कल, दुनिया चाहे बदलती रहे। चलो बाय बाय, आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।